A warmly good morning to all of you. I hope everybody is safe and healthy. Today we will going to start our first lesson of English. That is the cloth line. So open page number 8. It is a poem. Okay. Let's get started. Hand in hand, the dance in a row. Hither and thither. 2 and 4. Flip flap flop. And away they go, fluttering creatures as white as snow. ये पोएम जो है फुली किस पे बेस्ड है आपके क्लोथ्स पे अब वो बता रहे हैं आपको यहाँ पर कि यहाँ पे कैसे हैं क्लोथ्स जो हैं। हैंड इन हैंड द डांस इन अ रो यानी कि जो कपड़े यहाँ पर सूख रहे हैं वो कैसे हैं ऐसा लग रहा है जैसे हाथों में हाथ लेकर ये क्या कर रहे हैं ये क्लोथ्स डांस कर रहे हैं ये देखिए आपको पिक्चर में भी समझाया गया है हिदो एंड तिदो मतलब क्या होता है इट मींस होता है यहाँ वहाँ है ना यानी कि ये कपड़े कैसे डांस कर रहे हैं इधर उधर होकर एंड टू एंड फो यानी कि ऊपर नीचे होके के फ्लैप फ्लॉप होके है ना एंड अवे दे गो और इस तरीके से वो आगे पीछे होके हिलडुल कर ऐसा लग रहा है जैसे क्या कर रहे हूँ ये ड्रेसेस डांस कर रहे हूँ और ये हमको कैसे लग रहे हैं ऐसे क्रिएचर लग रहे हैं जैसे व्हाइट स्नो ये देखिए आपको ऐसा लग रहा है ना जैसे इसमें कोई डांस कर रहा हो लेकिन यहाँ पे ऐसे क्रिएचर दिख रहे हैं जैसे कोई एक वाइट स्नो का क्रिएचर हो जो कि हमें दिखाई तो नहीं दे रहा बट यहाँ पर है नेक्स्ट लाइक रेस्टिव हॉर्सेज दे क्रेप एंड प्रैंक लाइक फेरी टेल विच इज दे वाइडली डांस राउंडेड इन फ्रंट बट होलो बिहाइंड दे श्रिवर एंड स्किप इन दी मैरी मार्च वन इट मीन्स ये कैसे लग रहे हैं आपको ये रेस्टलेस हॉर्स जैसे कि आपने देखा है ना घोड़ों को जो आ, हम घोड़े छोड़ देते हैं नॉर्मली वो कैसे करते हैं दे क्रैपर दे क्रैपर एंड प्रैंक इट मीन्स क्रैपर एंड प्रैंक मीन्स क्या होता है मूव एंड डांस प्लेफुली यानी कि प्लेफुली मस्ती के साथ क्या करना मूव करना या डांस परफॉर्म करना तो जैसे रेसलेस हॉर्स होते हैं जिस तरीके से वो एक मूव और डांस प्लेफुली जो है डांस परफॉर्म करते हैं उस तरीके से हमें ये ड्रेसेस भी दिखाई दे रही हैं ये क्लोथ्स लाइक फेरी टेल जैसे कि फेरी टेल में भी वाइल्ड डांस बताया जाता है उस तरीके से हमें ऐसा लग रहा है कि ये क्लोथ्स भी डांस कर रहे हैं हमें फ्रंट में तो ये राउंड दिखाई देते हैं लेकिन इनसाइड कैसे हैं ये होलो यानी कि खाली हैं और ये हवा में कैसे होते श्रवर हो जाते यानी कि सुकुड़ जाते हैं और वापस जो है ये अपने फॉर्म में फिर आ जाते हैं आपने ड्रेसेस को देखा है ना विंड में कैसे जो है कपड़े इधर से उधर होते हैं कभी हमें हवा के कारण वो फूले दिखाई देते हैं तो कभी वो सुकुड़ जाते हैं Once वन I saw dancing excitedly, struggling so विंडली till she was free, they leaving पैक्स and clothes लाइन behind her she flew like a bird and no one could find her ab kya bola unhone वन आई सो डांसिंग एक्साइटेडली जब मैंने उन्हें इस तरीके से डांस करते हुए देखा जैसे वो क्या कर रहे हों ऐसा लग रहा है कि जैसे वो हवा से क्या कर रहे हों स्ट्रगल कर रहे हों क्योंकि हवा जब चलती है तो कपड़े कैसे इधर उधर जो है जब होते हैं तो उन्हें ऐसा लग रहा है जिन पोइट ने ये पोएम लिखी है कि ऐसा लग रहा है जैसे ये विंड के साथ स्ट्रगल कर रहे हों देन उसके बाद उन्होंने क्या किया पैग्स यहाँ पे पैग्स का मीनिंग क्या है क्लिप्स जो कपड़ों में लगी हुई है उन्होंने बोला उसके बाद क्या किया हमने क्लोथ से ये अगर क्लिप को हटा दिया क्लोथ लाइन से तो यही ड्रेसेस हमें कैसे फ्लू होते हुई दिखा देती है फ्लू मतलब उड़ना हमें एक बर्ड्स की तरह जो है उड़ती हुई दिखाई देती हैं, जिनको कोई भी फाइंड आउट नहीं कर सकता आपने देखा है ना क्या बर्ड उड़ती है तो क्या आप उसके पीछे जाकर उसे जो है फाइंड कर पाते हैं नहीं वो पल भर में उड़कर कहीं और चली जाती है उसी तरीके से पोइट ने यहाँ पे क्लोथ्स को कहा है आई सॉ हर क्लीम लाइक अ स्नेल इन दन फ्लिपिंग एंड फ्लैपिंग एंड फ्लॉपिंग फॉर फन मैंने उसे उड़ते हुए देखा है ना कैसे आपने देखा स्नेल को स्नेल कैसे चलती है इधर से उधर ऐसे करके है ना तो हवा में वो कह रहे हैं कि ये क्लोथ भी जो है सन में स्नेल की तरह जो है हवा के सहारे जल्दी जल्दी फ्लिप फ्लैप होके जो है उड़ रहा है कोई भी नहीं जानता कि वो क्लोथ कहाँ गया किसी गड्ढे में जाकर गिर गया या किसी सी में जाकर ड्रोन हो गया ओके okay? यानी कि जैसे ही मैंने उसकी क्लिप हटाई तो वो क्लोथ क्या क्या हो गया उड़ गया अब किसी को नहीं पता कि वो क्लोथ कहाँ गया किसी गड्ढे में गया या हवा उसे कहीं और उड़ा कर सी में ले गई शी वॉज माई हैंकर शीफ जिसको पोइट ने पिन को खोला था वो क्या था उसका वो क्लोथ उसका हैंकर शीफ था नॉट लॉन्ग एगो बट शी विल नेवर कम बैक टू माई पॉकेट आई नो उन्होंने बोला मुझे पता है कि जिसको क्लिप को मैंने खोला था वो क्या है मेरा हैंकर शीफ है और वो अब मेरे पास वापस कभी मेरे पॉकेट में नहीं आएगा ये चीज़ मुझे पता थी क्योंकि हवा क्या करेगी उस क्लोथ को उड़ा कर ले जाएगी यहाँ आपकी पोइम कंप्लीट हुई आई होप आपको ये पोइम क्लियर होगी थैंक यू